सबसे पहले घी ले लेंगे, घी को हम मेल्ट कर लेंगे। इसको हम क्या करेंगे, 2 घंटे के लिए इसको सोक कर देंगे, इन दोनों को ही साबुदाना भी भिगा देंगे। ये मूंग दाल है, इसको भी हम 2 घंटे के लिए भिगो देंगे और 2 घंटे बाद फिर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम ये चावल का जो आटा लिया है इसको नाप लेंगे, इसे नाप के डालेंगे हम। ये अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट है इसको डाल देंगे। ये चिली फ्लेक्स है इसको डाल देंगे। मिर्ची आप अपना स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। ये हमने तिल ले लिए हैं, तिल इसमें डाल देंगे। इसमें वैसे अजवाइन पड़ती नहीं है लेकिन मैं इसमें अजवाइन डाल रही हूँ, अजवाइन को हम थोड़ा क्रश करके डालेंगे। कई लोग डालते नहीं हैं लेकिन मैं डाल रही हूँ, अजवाइन पाचन के लिए बहुत अच्छी होती है। थोड़ा सा और डाल देंगे, और ये हमने साबुदाना भिगो के रखा है, इसमें सोख करके रखा हुआ हमने 2 घंटे के लिए भिगोया था, इसको इसमें ऐड कर देंगे। साथ में हमने मूंग दाल भी बो के रखी थी, इसको भी इसमें डाल देंगे। और ये हमने हरा धनिया ले रखा है और हमने पुदीना भी इसमें डाला है। पुदीना भी इसमें नहीं डालते हैं लोग लेकिन मैंने डाला है, ये डाल देंगे। और ये डाल देंगे करी पत्ता, करी पत्ता ज़रूर डालिएगा। अगर पुदीना नहीं भी हो, नहीं डालें, धनिया ना भी डालें कोई बात नहीं, लेकिन पुदीना ये करी पत्ता ज़रूर डालिएगा इसमें। अब इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम। अब इसमें ये गरम गरम घी ऐड कर देंगे, इसकी ट्रिक यही है कि घी गरम पड़ना चाहिए। वो हमने आटे में अलग से वो नहीं दिया, इसमें मोइन नहीं दिया, मैंने कहा पूरे में ही एक साथ दे दूँ। आप अलग से आटे में भी मोइन दे सकते हैं इसमें, उसके बाद सामग्री इसकी डाल सकते हैं। हमने ले लिया तो उसमें आप मोइन दे सकते हैं पहले ही, तो मैंने इकट्ठा ही दे दिया इसमें पूरा। देखिए कितना बढ़िया हो गया ये कितना बढ़िया हो गया, देखिए पूरी मोइन मैंने एक साथ दे दिया इसमें। बात एक ही है, जाना उसी में है उसने। और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब उसमें इसको हल्का हल्का पानी डाल के डो बना देंगे इसका। डो बना के इसको 10 मिनट हम रेस्ट पर छोड़ देंगे। सेट हो गया, अब इसमें थोड़ी थोड़ी हम तोड़ लेंगे।
के रख देंगे। देखिए आटा कितना बढ़िया हो गया होगा। इस तरह से इसको बनाएंगे हम। एक साथ में इतने तारे हमारे बन रहे हैं, इसको हम इस तरह से बनाते जाएंगे, रखते जाएंगे इस तरीके से। इसी तरह से हम बाकी के भी बना लेंगे। ये देखिए पतले पतले बनने चाहिए ये। इसी तरह से हम बाकी के भी बना लेंगे। वैसे दिक्कत है तो ऐसे भी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से भी बना सकते हैं। एक बार बेलन को यूं किया फिर यूं किया। आप शेप की तरफ मत जाइए। ये देखिए तो बढ़िया बन गया। इस तरीके से भी बना सकते हैं आगे। ये देखिए वो तो मैंने पन्नी में सीधा है ना, इकट्ठे बन गए। इस तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए कितना पतला पतला बन गया है। ये देखिए इस तरीके से आप बना सकते हैं। ऐसी सीट में मैंने इसको बेल लिया है। ये देखिए गरम करने रख दिया हमने। अब ये क्या करके इसको ऑयल में डालेंगे। छोटे बड़े आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद है। छोटी भी बना सकते हैं, बड़ी भी बना सकते हैं। एकदम क्रिस्पी होने चाहिए। ऑयल पूरा अच्छे से हम निकाल लेंगे इसका। पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
कितना बढ़िया कलर आया है इसमें, जो पापड़ी ना आना चाहिए कितना बढ़िया कलर आ गया इसमें, बिल्कुल क्रिस्पी होने तक इसको हम तलेंगे। लीजिए राइस पापड़ी बनके तैयार है, राइस कुरकुरी पापड़ी बनके तैयार है। और इसके इसको बनाने के लिए आप मेरा वीडियो देखना होगा, वो पूरा वीडियो आप देखेंगे ध्यान से तभी आपको समझ में आएगा ये किस तरीके से बना हुआ है। और इसका क्रिस्पीपन ये देखिए, इसका क्रिस्पीपन इतना ये कुरकुरा है, ये देखिए कितना इसमें क्रिस्पीपन है। और इसके लिए वीडियो देखना होगा कौन सी चीज़ कौन सी ट्रिक हमने इसमें यूज की है। तो इसमें वैसे तो साउथ की है ये तो, लेकिन ये साउथ में बनाया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, ये दीपावली में बनाया जाता है। वैसे खाने के लिए तो आप कभी भी बना सकते हैं इसको, ऐसा कुछ नहीं है कि दिवाली में ही बनाना है, दीपावली में घर बनाया जाता है, हर जगह ये बनाया जाता है। कई जगह जैसे हमने इसमें मूंग दाल का यूज़ किया, कई जगह इसमें चने की दाल यूज़ करते हैं, कई जगह इसमें उड़द की दाल यूज़ करते हैं, बनना ये चावल के आटे से ही है। तो इसी तरह से आप भी बनाइए और इतनी बढ़िया कुरकुरी पापड़ी बनके तैयार हो गई। तो इसको आप बना करके स्टोर कर सकते हैं, और जब भी चाय बनाना है, नाश्ता करना है, कोई मेहमान आ गया, अचानक गेस्ट आ गए, तो तुरंत आप निकाल के दे सकते हैं। तो पूछेंगे कि किसी से बनाया, कैसे बनाया आपने, तो आप कह सकते हैं, घर मुझसे कह सकते हैं हमने बनाया है राइस पापड़ी, चावल के आटे से बना हुआ है, ना इसमें सूजी, ना इसमें गेहूँ का आटा, ना इसमें मैदा, सिर्फ चावल के आटे से बना हुआ है। लीजिए आप भी खाइए, इसी तरह से अपने परिवार को बना के खिलाइए, और मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए। दोस्तों पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। कौन से स्ट्रीट से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लीजिए तब तक के लिए मिलते हैं ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।